सो इस वाली वीडियो में बात होगी Realme 6, 6i और 7, 7i, 7 Pro, Realme का C15 और नार्जो 20 Pro इन सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, जो कि मई 2021 में आए हुए हैं नए सॉफ्टवेयर अपडेट। इनकी जो चेंज लॉक है उसके बारे में भी बात होगी। सो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना। सबसे पहले बात करेंगे हम Realme 6 और 6i के बारे में। सो Realme 6 को Realme की तरफ से जो C.07 का सॉफ्टवेयर अपडेट है वो मई मंथ का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करा दिया गया है। Realme 6i को जो सॉफ्टवेयर अपडेट बिल्ड नंबर है वो C.06 का जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट है जो मई मंथ का है वो प्रोवाइड करा दिया गया है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये इसका साइज़ आपका 110 MB है और ये बहुत ही अच्छा अपडेट है जो कि मई मंथ के सिक्योरिटी पैच के हिसाब से आया है। 6 का ये थर्ड पैच है और ये 6i का सेकंड पैच है। सो इसके जो सिस्टम स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव किया गया है और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। बस सिक्योरिटी पैच चेंज कर दिया गया है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है बस। उसके अलावा यहाँ पर बात करें Realme 7 और 7i के और नार्जो 20 Pro के सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में जो कि मई मंथ के महीने में ही आया है। आपका 7 और 7i को जो सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड हो रहा है वो C.05 का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड हो रहा है जो कि मई मंथ का सॉफ्टवेयर अपडेट। नार्जो 20 प्रो को जो सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसका नाम है C.16, यानी कि C.16 का नार्जो 20 प्रो को ये सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें कि आपका मई मंथ का नया सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट वाला इनबिल्ट है। उसके अलावा यहाँ पर 7 और 7i को मैंने आपको बताया, 7i को आपको C.05 का सॉफ्टवेयर अपडेट है और 7 को जो सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो भी यही है, C.05 का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि ओपन बीटा के दौरान है, यानी कि Realme UI 2.0 का सॉफ्टवेयर अपडेट है जो कि ओपन बीटा के यूजर्स को मिला हुआ है Realme UI 2.0। और उसके अलावा यहाँ पे हम बात करें Realme C15 क्वाडकॉम एडिशन, इसको जो सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराया गया है उसका नाम है A.49। ये इसको सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराया गया है और ये मई मंथ की नई सिक्योरिटी पैच के साथ में रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। ये लोगों को मिलना भी प्रारंभ हो गए होंगे क्योंकि अभी शुरू हुए हैं इसी 20 मई के बाद में। सो ये धीमे धीमे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, आपको मई के लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएंगे क्योंकि 2 वीक के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छे से सभी को मिल पाता है। 2 वीक का टाइम लग जाता है प्रत्येक यूजर्स को मिलने में। बात करें Realme 7 Pro के सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, सो यहाँ पर आपका जो बिल्ड नंबर है वो है C.21 और इसका साइज आपका हो सकता है 16 से 20 MB तक, मतलब कि साइज़ बहुत कम है। सो इसमें बस इतना चेंज किया गया है, इसमें जो नया सिक्योरिटी पैच है उसको लगाया गया है और कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स थे जो कि Realme डिवाइसेस के जो मई मंथ के नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं। सो यहाँ पर हम बात करें जिनको अभी स्टेबल अपडेट नहीं मिला है 2.0 का, उनके स्टेबल अपडेट के बारे में बात करें। सो देखिए स्टेबल अपडेट तभी मिलता है जबकि पिछले जो बीटा वर्जन में जो चल रहा होता है, ट्रायल वर्जन में जो सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा होता है उसमें से सारे बग्स, लैग्स, हैंगिंग की प्रॉब्लम रिमूव हो जाती हैं, यानी कि खत्म हो जाती हैं। उसके बाद में उसे स्टेबल कर दिया जाता है। सो पहले बीटा वर्जन में मिलता है, उसके बाद में उसे ओपन बीटा में दिया जाता है। ओपन बीटा में मतलब सुधार किया जाता है, उसके बाद में उसको स्टेबल कर दिया जाता है। सो ओपन बीटा तुम्हें पता है कुछ ही एक डिवाइसेस के अंदर चल रहे हैं, ओपन बीटा जिनके अंदर चल रहे हैं उनको जल्द ही सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि स्टेबल अपडेट होगा। और जिन लोगों के में अभी भी ट्रायल वर्जन में बीटा अपडेट मिले हुए हैं उनको पहले ओपन बीटा का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, उसके बाद में ओपन बीटा के बाद में उन्हें स्टेबल अपडेट मिलेगा। सो इस प्रकार से ये रोल आउट होते हैं Realme की तरफ से। सो यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ में मुझे शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना बॉस, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, उसके बगल में जो बेल का आइकन है उस पर ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं फर्दर वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।